नवरात्रि के पहले दिन बस्तर संभाग के सुकमा जिले में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कई माओवादियों को गोली लगने का दावा किया जा रहा है। चिंतलनार थाना क्षेत्र के बोता लंका और इरापल्ली के जंगल को नक्सलियों की बटालियन का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। यहाँ हमेशा नक्सल बटालियन की मौजूदगी रहती है। वहाँ माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पहुंची और नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। रुक रुक के फायरिंग चालू है। इस मुठभेड़ की पुष्टि सुकमा एसपी ने की है। जिला सुकमा के थाना चिंता गुफा क्षेत्र के अंतर्गत कल दिनांक को संयुक्त पार्टी जिसमें डीआरजी का बल, बस्तर फाइटर और कोबरा की टीमें संयुक्त रूप से नक्सल ऑपरेशन में निकली हुई थी। बोटेलंका एरनपल्ली गांव के आसपास में चिंतागु नदी के किनारे सुबह से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, जिसमें नक्सलियों में पीएनजीए बटालियन और किस्टाराय मीडिया कमेटी के नक्सली थे। साथ ही वहां पे नक्सल अस्थायी कैंप जो थे उसको ध्वस्त किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और विस्फोटक बरामद किया गया है। सुरक्षा बल अभी सुरक्षित है, बाकी आगे की जानकारी आपको बताएंगे।